हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हो, ISO फाइल डाउनलोड करके विंडोज 10 की, और कैसे उसको बूटेबल बनाकर अपने सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, आपके पास नया सिस्टम हो, पुराना सिस्टम हो, या फिर लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आपके सारे इशू सोल्व हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर कर लेना अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करने वाले। सारा प्रोसेस आपका माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से ही होगा, ओरिजिनल जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट है उसी से होगा। आपको थर्ड पार्टी कोई भी ऐप डाउनलोड करने, एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव ले लेनी है, कोई भी पेन ड्राइव, खाली पेन ड्राइव। उम्मीद करते हैं आप 8 GB से बड़ी पेन ड्राइव यूज करना, यानी कि 16 GB या फिर 32 GB। तो यहाँ पे मैं 64 GB की पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर के ऊपर, और क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पे सर्च में आपको लिखना होगा विंडोज 10 डाउनलोड, या फिर विंडोज 10 लिख के सीधा सर्च करना है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आएगी, सिंपली इस पे चले जाना है आपको, और यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। कई बार क्या होता है इनके लिंक है उनके अंदर थोड़े बहुत समस्या आती है, इस वजह से ओपन नहीं होते। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इस पेज के ऊपर लेके आता है। यहाँ से आपको एक, यहाँ पे आप देख पाए क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। ठीक है, आपको ये सिस्टम डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नहीं, ये फाइल है, इसको ओपन करना है आपको। आप सोच रहे हो यार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा दिया, इतना दोस्तों करना पड़ेगा, और आपको इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे इसको यस कर देना है। और यहाँ पे आप देख पाओगे विंडोज 10 का अभी लोगो आया है। यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर कुछ सेटिंग वगैरह होगी। यहाँ पे आप देख गेटिंग योर रेडी, मतलब आपका सारा सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑफिशियली है या माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, सारा प्रोसेस इसके ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हम ISO फाइल डाउनलोड करेंगे, उसके बाद बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करेंगे। सारा प्रोसेस होने वाला है इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पे आपको यो अपनी विंडोज का है लाइसेंस एग्रीमेंट, उसको एक्सेप्ट करना होगा यहाँ से, और थोड़ा और वेट करना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, अगर आप अपने सिस्टम में अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे आपके सिस्टम है विंडोज 7 है, उसमें आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो अपग्रेड दिस PC आपको करना होगा। बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है तो आपको सिंपली क्लिक करना होगा नीचे वाले पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, इसको अनटिक करना है पहले। और अनटिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, भाई आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। जिस भी सिस्टम के लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करनी है वो देख लेना है। यहाँ पे 64 बिट के लिए आपको करनी है 64 बिट पे करना है, और 32 बिट के ऊपर करना है तो 32 बिट। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम 64 बिट का है, तो मैं 64 बिट के लिए बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करूंगा, और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे हमें दो ऑप्शन देखने मिलेगा। ये दो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप देख भाई, यह है USB फ्लैश ड्राइव और यहाँ पे ISO फाइल। जैसे कि आप मान के चलो ISO फाइल आपको डाउनलोड करनी है, तो सिंपली इस पे जाके आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन उसको बूटेबल बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे रूफस हो गया, वेंटो सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताऊंगा। सिंपली आपको करना होगा USB फ्लैश ड्राइव के ऊपर क्लिक, और सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो पेन ड्राइव है उसको सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं आ रही है तो रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे आपकी जो पेन ड्राइव का है लेटर वो देख लेना, जैसे मेरे G है इसका लेटर, तो सिंपली यहाँ पे आप देख पाओ इसका लेटर G है, तो मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी पेन ड्राइव ही सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेटिंग फॉर योर थिंग्स रेडी। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 10 यहाँ पे आ चुका है। ये जो हमारा है परसेंटेज, ये 1 से 100 तक होगा, तो ये सारा प्रोसेसिंग में आपका जो नेट है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट आपका बढ़िया है तो आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वरना आपका सिस्टम में टाइम लेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, अपनी पहले ये अपने सिस्टम के अंदर ISO फाइल डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद उसको बूटेबल बनाने के लिए आपका प्रोसेस आपसे एग्री मांगेगा, आपको खुद मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं जो भी प्रोसेस होगा वो आगे बता दूंगा। यहाँ पे मेरा परसेंटेज 2% हो चुका है, लगभग ये 100% जाएगा, तब हमसे आपसे आके बात करते हैं आगे आपको क्या प्रोसेस करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे विंडोज डाउनलोड का जो प्रोसेस है वो 98% तक कंप्लीट हो चुका है। कुछ आध सेकंड के अंदर हमारा ये 100% भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ISO फाइल डाउनलोड करते हो तो आपकी कहीं भी वो विजुअल नहीं होती है, सीधा ही डायरेक्टली बूटेबल पेन ड्राइव बनने के लिए रेडी हो जाती है। आगे का प्रोसेस हम जस्ट अभी दिखाएंगे, कुछ सेकंड में 100% आपका कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हो चुका है हमारा 100%, और यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है अपनी जो डाउनलोड किया है को ISO फाइल को। वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद हमारी जो बूटेबल बनने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो क्रिएट विंडोज 10 मीडिया, कहने का मतलब ये है ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है वो बनने के लिए रेडी हो चुकी है। ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है,
इस प्रोसेस को भी जल्दी से कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद आपको बूटेबल पेन ड्राइव दिखा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे तो अब हमारी बूटेबल पेन ड्राइव में कोई डेटा फीड नहीं हुआ है। ये सारा चेकिंग अपडेट होने के बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपकी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर डेटा फीड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को भी कंप्लीट होने देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी सी नोटिफिकेशन के बाद हमारी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर बूटेबल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होगे हमारी जो पेन ड्राइव है जो फॉर्मेट होके और बूटेबल बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ फाइलें वगैरह ऐड हो गई। यहाँ पे जो ये 50% हुआ है ये 100% तक कंप्लीट होगा और उसके बाद जो ये बूटेबल पेन ड्राइव बनके तैयार हो जाएगी वो प्रोसेस भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होगा हमारे जो विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का प्रोसेस है वो 98% हो चुका है। कुछ देर में हमारा ये अपने ये बूटेबल पेन ड्राइव बनके तैयार हो जाएगी। एक बार मैं जैसे डेटा दिखाऊं कि हमारी पेन ड्राइव के अंदर कुछ डेटा डला है या नहीं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पेन ड्राइव कुछ इतनी भर चुकी है। अगर आपकी छोटी पेन ड्राइव होगी ज्यादा भर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग 99% और हमारी ये जो है आप पढ़ सकते हो योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज रेडी। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको सिंपली फिनिश कर देना है और यहाँ पे कुछ देर बाद सेकंड चलेंगे, कुछ देर बाद अपने आप ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। ठीक है, आपका सारा प्रोसेस हो चुका है, बूटेबल पेन ड्राइव बनकर रेडी हो चुकी है। आपको एक काम करना होगा, इस पेन ड्राइव को निकाल के और वापस से अपने सिस्टम के अंदर लगाना है तो ये बूटेबल पेन ड्राइव की तरह दिखाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारी आईएसओ फाइल डाउनलोड की हमने और उसके बाद उसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाया बगैर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। अब आपको इसको विंडोज में मतलब अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है उसका प्रोसेस हम आगे जानते हैं। तो उसके लिए इस पेन ड्राइव को निकाल के जिस सिस्टम के अंदर आपको विंडोज डालनी है उसके अंदर आपको लगा लेना है और आपको सिस्टम शट डाउन करना है और उसको ऑन करना है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों हमने पेन ड्राइव अपने सिस्टम के लगा लिया और सिस्टम को है हमने शट डाउन कर रखा है। सिंपली आपको करना क्या होगा, सिस्टम को ऑन करते वक्त जैसे हमने सिस्टम का पावर बटन ऑन किया, ऑन करते वक्त आपके कीबोर्ड के अंदर आपको अपने सिस्टम के बूट की डालने होंगे। बूट की क्या होते हैं वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं अपना सिस्टम ऑन करता हूँ और यहाँ पे मेरे सिस्टम के बूट की है ESC और डिलीट। इससे मेरा सिस्टम है वो बूट के ऊपर आ जाता है। तो सिंपली मैं ESC और डिलीट बार बार दबाता हूँ और मेरा सिस्टम है वो बूट पे आ चुका है। कुछ इस प्रकार से बूट पे आ चुका है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कुछ इस प्रकार से नहीं आ रहा तो हो सकता है आपके सिस्टम के बूट की अलग अलग हो। आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जैसे लिनोवो का मदरबोर्ड है लिनोवो बूट की, या फिर मैं यहाँ पे डायग्राम दे दूंगा, आप वहां से देख के भी आप पता कर सकते हो आपके सिस्टम के बूट की क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना होगा, मैंने किंगस्टोन की पेन ड्राइव में जो डेटा है वो फीड किया था यानी बूटेबल बनाया था, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ से एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर हमें वेट करना है एंटर करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद जो मेरा सिस्टम है मेरी पेन ड्राइव से बूट हो चुका है। सिंपली आपको भी आसानी से बूट करा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे विंडोज 10 का लोगो आ गया है और यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो मैन्युअली मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये वीडियो वास्तव में बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है। तो यहाँ पे आता है हमारा अगला ऑप्शन प्रोडक्ट की का। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ से सिंपली डाल सकते हो, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो यहाँ पे आप कर सकते हो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आपकी विंडोज कौन सा वर्जन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं विंडोज 10 यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ, विंडोज 10 प्रो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत और सेटिंग वगैरह करनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको क्लिक करके आई एग्री फॉर यहाँ पे क्लिक करके सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी डिस्क होंगी वो सारी आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ से आपको करना क्या होगा, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर चाहते हो कि भाई आपकी फाइल वगैरह है कोई डिलीट ना हो तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ये जो आप जितने भी MB के पार्टीशन है, जैसे ये मेरे MB का पार्टीशन है, इसको फॉरगेट कर देना है या फिर फॉर्मेट कर देना है और ये एक MB का पार्टीशन ये है। ठीक है, जितने भी MB के पार्टीशन है उनको आपको फॉर्मेट कर लेना है और आपको जैसे मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक डिस्क बना रखी है, अगर आपकी एक से ज्यादा डिस्क है तो सिंपली आपको सिस्टम जिसके अंदर यहाँ पे प्राइमरी डिस्क लिख के आएगी और आपको अपने डिस्क का पार्टीशन याद रखना है भाई कितने GB का पार्टीशन है, इससे आपके डेटा इरेज होने की संभावना कम रहेगी। तो सिंपली यहाँ से आपको करना क्या होगा, अगर आप अपने न्यू विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो, अपना सिस्टम को पूरा ही डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको सब चीजों को यहाँ से डिलीट कर देना है। मैं वही कर रहा हूँ। अगर आपको आप चाहते हो भाई आपके सिस्टम के अंदर कोई डेटा डिलीट ना हो तो सिंपली आपको MB वाली फाइल है उनको डिलीट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको कम्प्लीट न्यू इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ से डिलीट कर देना सभी को, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैं आपको कहूंगा कि आपके जो इम्पोर्टेंट डेटा है आपको एक डिस्क में निकाल लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा डालना है क्योंकि आपका डेटा डिलीट होने की संभावना है।
ठीक है, यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस आ रहा है, उसके बाद न्यू कर पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एमबी का पार्टीशन बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट करते ही हमारे सिस्टम के अंदर विंडोज डलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपको मैन्युअली काम करने की जरूरत पड़ेगी वहां से हम आपको गाइड कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, सारा ऑटोमेटिक है, इसको होने देना है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे सिस्टम आपका ऑप्शन, पहले इंस्टॉलिंग अपडेट हो रहा है, उसके बाद सिस्टम अप होगा और आपका सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम अप रीस्टार्ट हो रहा है और इस रीस्टार्ट होने के बाद आपकी जो पेन ड्राइव आपने अपने सिस्टम के अंदर लगा रखी है, यहाँ पे एंटर करते ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव है उसको आपको निकाल लेना है। हम यहाँ पे सिस्टम में से पेन ड्राइव निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कुछ समय बाद हमारा सिस्टम है ऑटोमेटिकली ऑन होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा, आपको कोई भी मैन्युअली चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे करने की पड़ेगी वहां पे हम अभी बता देते हैं क्या क्या आपको चेंजमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपकी कंट्री यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इंडिया सिलेक्ट करके यहाँ पे यस कर देना है आपको, और यहाँ पे थोड़ा सा समय और लेगा फिर से। और यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप कोई आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट है, ठीक है, वो देख लेना, आपको जो भी कीबोर्ड लेआउट चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने इंग्लिश इंडिया किया है और यहाँ पे यस कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल कोई कीबोर्ड जोड़ना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से जोड़ सकते हो, मैं नहीं जोड़ना चाहता तो यहाँ से स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सिस्टम में आपको इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट है उसका ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डालने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जब तक आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं डालोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना इंटरनेट अपने सिस्टम के अंदर नहीं कनेक्ट करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है। यहाँ पे आप देख पाए आई डोंट हैव इंटरनेट के साथ आपको जाना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू यहाँ पे सिंपली ये सेटअप कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग का जो साइन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपके सिस्टम पे जो भी अगर आप नाम देना चाहो वो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं अपने सिस्टम के अंदर नाम देना चाहता हूँ अपना, तो यहाँ पे मैंने मेरे सिस्टम के अंदर नाम दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको सिंपली करना होगा यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगर पासवर्ड यहाँ पे देना चाहो तो पासवर्ड दे सकते हो, वरना यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो और यहाँ पे अकाउंट के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है सर्विस को और यहाँ पे आपको यहाँ से वापस एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिस्टम है कुछ इस प्रकार से ऑन हो जाएगा विंडोज इंस्टॉल होने के बाद। यहाँ पे आप डेस्कटॉप सेटिंग वगैरह करना चाहो तो आपको सिंपली वो मैं बता देता हूँ, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है पर्सनलाइजेशन पे आ जाना है। और पर्सनलाइजेशन पे आने के बाद यहाँ पे इसको बड़ा करके यहाँ पे आ जाना है आपको थीम्स पे, और थीम से आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग मिल जाएगी और यहाँ से आपके सारे डेस्कटॉप आइकन लगा लेने जो भी आपको चाहिए और यहाँ से आपको कर देना अप्लाई और ओके। ठीक, आपके सारे सिस्टम के अंदर सारे जो आइकन आ चुके हैं जो भी आपको इम्पोर्टेंस है। और अगर आप इस सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, लैन के थ्रू या फिर यूएसबी ड्राइव के थ्रू, जैसे भी चाहो आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।